हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 6 और हमारी 2.1 एक्सरसाइज चल रही थी, तो थोड़ा लाइट चली गई है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, हम आपको समझाने की फुल कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा लाउड बोलेंगे। तो देख लेते हैं हमारा क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन बना के देनी है। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स को पहले सिंपल बनाएंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ताकि हम मिक्स फ्रैक्शन को कभी होल नंबर से मल्टीप्लाई करा नहीं हमने, ना सिखाया आपको, ऐसा कोई मेथड भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल बनाएंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं हमारा 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगी अभी तक। एंड ये अब जब हम मिक्स को इम्प्रॉपर बनाते हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल से, फिर प्लस हो जाता है हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में वही आता है और न्यूमरेटर में पहुंच जाता है जो भी हमारी, जैसे कि हमारा ये लिखा है, तो कैसे करेंगे 1.55, तो ये हमारा कैसे आएगा आंसर में, तो हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 अपॉन 5। इस टाइप से हमारा ये सॉल्व होता है, तो हमारा 26 अपॉन 5 हो जाएगा। 26 कैसे हो रहा है, 5 5 जा 25 25 प्लस 1, तो मीन्स आगे चल के 26 अपॉन 5 ही हो जाएगा, जैसे आपको पता है। हाँ, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो मैंने आपको बताना था, ताकि इंट्रोडक्शन में ये भी हम करके आए हैं, आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें, अगर एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज में। थोड़ा अंधेरा जरूर हो रहा है, बट आप समझने की कोशिश करना, आपको आशा करते हैं जरूर समझ में आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 अपॉन 5। तो देखो आप 3 की मल्टीप्लाई करनी है 26 में, मैं तो कर सकता हूँ बट आप रफली कर लेना कहीं भी। तो 3 6 18, 1 कैरी 3 2 6 एंड 7, तो इस टाइप से हमारा आंसर हो गया। अब हमने मिक्स बनाना है, इसको मिक्स बनाने का प्रोसेस वही है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, थर्ड या फोर्थ में। तो देख लेते हैं हमारा 5 का टेबल पढ़ते हैं हम, 5 5 1 जा 5 एंड इधर कितना गया 2, हमारा 5 5 जा जाएगा, फिर हमारा 3 अपॉन 5। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको मिक्स को इम्प्रॉपर बना के देखें, अगर दोनों मैच हो रही है तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक। देखो 5 15 जा हमारा 75 होता है, 75 और 3 78 अपॉन 5, तो हमारा ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि आपको बोला है पहले मिक्स को सिंपल बनाएंगे हम, सिंपल क्या इम्प्रॉपर। तो 5 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 24 और 3 27, तो 27 अपॉन 4 इस टाइप से होने वाला है। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 5 7 जा 35 का 5, 5 एंड 5 2 जा 10, 10 और 3 हमारा 13 अपॉन 4, तो आंसर क्या होने वाला है, 4 3 जा 12, 1 गया 4, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 ही होता है वैसे हमारा। इसका देख लेते हैं हमारा 4 6 जा 24 24 24 और 3 हमारा 27 ही होता है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बन रही है देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं। 5 7 जा 35 का 5 3 कह रही था 5 2 जा 10 13, ठीक है हमारा हो रहा है, तो हमारा शायद इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना पाएंगे। देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन की तरफ हम, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा भी या नहीं भी। तो हमने क्या लिखा था इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा क्वेश्चन 6 चल रहा था, 6 का 7 135 हमने लिखा है, 135 अपॉन 4, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है, क्यों जरूर बनाएंगे। तो 4 5 जा हो गया हमारा, 4 कितना जा रहा है, 4 3 जा 12, इधर आया हमारा 4 3 जा, दोबारा आ जाएगा 4 3 जा 12, अब इस बार कितना बचा, 4 3 जा 12 एंड 3 बचा, तो 3 अपॉन 4, इस टाइप से मिक्स बना दिया हमने। अगर आपको नहीं आ रही है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का मेथड आप दोबारा करने की कोशिश करें। देखो इसको मिक्स कैसे बनाएंगे, 4 अपॉन 135 ऐसे डिवाइड में लिखा है, तो 4 3 जा 12 माइनस करेंगे 1 एंड 5, 4 3 जा 12 तो माइनस करेंगे हमारा कितना आया 3, तो मीन्स ये तो हमारा होल होता है 33, और ये हमारा रिमाइंडर जो होता है हमारा
रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर बन जाता है 3/4 और डिवाइजर हमारा 4। तो जैसे कि हमारा आ गया था, आप डिवाइड करके देख लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका, नेक्स्ट पार्ट हमारा सी। तो थोड़े ज़्यादा पार्ट है तो थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। तो 7 × 4 2 8 एंड 9/4, तो 7 × 9 हमारा कितना होता है 63/4। जब इसको मिक्स बनाएंगे 4 × 4 इधर गया हमारा 2 गया हमारा 23 हो गया, 23 × 4 5 एंड हमारा कितना बचेगा 3 3/4। अगर कुछ डाउट है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 63 हमारा आ रहा है। आगे देखते हैं डी पार्ट में हमारा 4 × देखो, दो मैंने थोड़ा डीपली समझाएं तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा जिससे हमारी वीडियो शॉर्ट हो। तो 4 × 6 3 18 18 19/3 हमारा 3, तो हमारा 19 4 76 76/3 मेरे को तो आता है बट आप कैलकुलेट कर लेना। तो हमारा आ जाएगा 3 2 3 2 1 गया 3 5 एंड 1/3। इस टाइप से आंसर होने वाला है, मतलब 25 होल 1/3। इसको ऐसे रीड करते हैं। अब मिक्स को तो हमने छेड़ना नहीं है, तो सॉरी मिक्स को हमने इम्प्रॉपर बनाने उसी को तो करना है और मल्टीप्लाई को नहीं छेड़ना है। 4 3 12 12 एंड 1 13 13/4 × 4। तो देखो इस केस में क्या होता है, जैसे कि हम कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारा आंसर इसका 13। बड़ा ईजी था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारा, 5 3 15 15 15 और 2 हमारा 17 17/5 × 8। तो हमारा 8 की मल्टीप्लाई 17 से, तो 17 8 जा भी कर सकते हो, किसी को जल्दी से टेबल लाइन नहीं रहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 जा हमारा कितना होता है 56 का 6, 5 कैरी 8 1 8 एंड 5 13/5। अब इसको मिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, 5 2 5 2 10 एंड 5 7 एंड 1/5। तो इस टाइप से इसका मिक्स बनेगा। थोड़ा अंधेरा जरूर है बट आप समझने की कोशिश करना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। वैसे तो दिख रहा होगा आपको जहाँ तक मेरे को लगता है, बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाइट आने पर ही कराएंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। आज के लिए धन्यवाद।